हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला हूँ और यह वीडियो जो है सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको खास करके एफओ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, सॉरी, किसी भी चीज़ में आप लोग यदि बैक्टीरिया से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो आप लोग इसको देख सकते हैं और बैक्टीरिया से इससे बाहर हो सकता है क्वेश्चन ना आए। इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, या पहला पार्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जिसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया के अंदर पर्ण हरित नहीं पाया जाता, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो केंद्र की पदार्थ होता है केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इतना मैंने ये भी थोड़ा सा जानकारी दे दी, आप देखते हैं। तो जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय दृढ़ भित्ति वाला पर्ण हरित रहित मतलब हरित लवक नहीं पाया जाता इसके अंदर, ठीक है। जीवाणु एक सूक्ष्म एक कोशिकीय दृढ़ भित्ति वाला पर्ण हरित रहित सूक्ष्म जीव होता है जिसमें केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। जिन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। आप यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। जीवाणु में एक कोशिका पाया जाता है, जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवाणु में केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, ये थोड़ा सा डेफिनेशन के टाइप डेफिनेशन जैसा मैंने आप लोग बताया। अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। कुछ नहीं याद रहे तो कैसे जानेंगे? तो जीवाणु सूक्ष्म जीवित जीव है जिसमें केवल एक कोशिका होती है, ठीक है। जीवाणु क्या है? जीवाणु सूक्ष्म जीवित जीव है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। याद रखिए कि जीवाणु के अंदर एक ही कोशिका होती है। और बैक्टीरिया सेल आप लोग मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके कोशिका के बारे में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो जनन होता है मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। अब विखंडन का मतलब क्या होता है सुनिएगा, मतलब 102 बैक्टीरिया 2 से 6 बैक्टीरिया, 6 से 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। 102 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, ऐसे बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विखंडन, ठीक है। तो इनमें जनन जो होता है मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं। सभी जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी जीवाणु होते हैं वह सभी जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो यह तो बात होगी कि जीवाणु होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं जीवाणु की खोज कैसे हुई, इसके खोजकर्ता कौन है और कब हुई इसकी खोज। तो इसकी खोज हम खोजकर्ता, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1675 ईस्वी में किया था, ठीक है। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बैक्टीरिया खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। यदि कोई भी बैक्टीरिया क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में भी तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कब किया था? 1675 में किया था। यह जो सन दिया गया है यहाँ पे 1675, कहीं पे आप लोगों को 1674 भी मिलेगा, कहीं पर 76 मिलेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। 1675, 74, 76, ठीक है। मतलब 1675 ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि मैंने 3-4 जगह देखा 1675 ही था। इसमें कोई एक फिक्स नहीं होता है ना, देखेंगे कोई भी तो उसके खोज के बारे में एक फिक्स ईयर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ मैंने 1675 लिया जो कि बहुत जगह पे था। तो बैक्टीरिया खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1675 ईस्वी में किया था। कैसे किया था अब इसको देखते हैं। तो ये जो एंटोनी वान लीवेनहॉक है यह डच के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। हॉलैंड में एक डच वैज्ञानिक थे, कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने अपने द्वारा इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बना था, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था अपने द्वारा, और उसी में अपने दांत के खुरचन में और पानी में, ठीक है, दांत के खुरचन में और पानी में इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीव को देखा था, ठीक है। कहाँ पर देखा था? अपने दांत के खुरचन में सबसे पहले इन सूक्ष्म जीव को देखा था। और चलिए देखते हैं,
तो हॉलैंड के एक डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहाक ने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के घूर्जन में इन जीवाणुओं को देखा था तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने जब इस बैक्टीरिया को देखा था, इन्होंने जब एंटोनी वान लीवेनहाक ने, तो उन्होंने बैक्टीरिया को सूक्ष्म जीव नाम दिया था। ठीक है, इसका नाम बैक्टीरिया एहरेनबर्ग ने दिया है। ठीक है, बैक्टीरिया नाम एहरेनबर्ग ने दिया, याद रखिएगा। तो एंटोनी वान लीवेनहाक ने जब बैक्टीरिया को देखा था तो इसको क्या बोला था, सूक्ष्म जीव बोला था, और इसका नामकरण एहरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, एहरेनबर्ग ने किया था। उसके बाद लुई पाश्चर है, लुई पाश्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन में जीवाणु का योगदान होता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो वहां पर भी जीवाणुओं का योगदान होता है, मतलब जीवाणुओं के बिना फर्मेंटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह किसने बताया था, लुई पाश्चर ने बताया था। तो इतना जानकारी आप लोग याद रखना है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया खोज एंटोनी वान लीवेनहाक ने 1675 ईस्वी में की थी। कैसे की थी, तो एंटोनी वान लीवेनहाक एक डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के घूर्जन में इन जीवाणुओं को देखा था तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा था। इसका नाम एहरेनबर्ग ने रखा था। ठीक है, इसका नाम बैक्टीरिया एहरेनबर्ग ने दिया था। याद रखिएगा, एक नंबर पूछता है कि बैक्टीरिया सूक्ष्म, बैक्टीरिया का नाम किसने रखा था। ठीक है, बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो आप लोग वहां पर क्या लिखेंगे, एहरेनबर्ग ने दिया था बैक्टीरिया ने। लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन में जीवाणु का योगदान बताया था। आगे देखते हैं आवास। ठीक है, हैबिटाट, आवास कहाँ कहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, एक पॉइंट में भूल के बताना आप लोग, याद रखिएगा, एंटोनी वान लीवेनहाक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोनी वान लीवेनहाक को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भूल गया था बताना। तो एंटोनी वान लीवेनहाक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इसका आवास देखते हैं कहाँ कहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको हैबिटाट भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो जीवाणु लगभग उन सभी वातावरण में रह सकते हैं जो जीवन के लिए घातक नहीं होते हैं। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, ये उन सभी वातावरण में रह सकते हैं, उन सभी जगहों पर रह सकते हैं जो जीवन के लिए घातक नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि जहां पर भी जीवन संभव है बैक्टीरिया वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, आप जहां पर बैठे वहां पर बैक्टीरिया है, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, आपके बॉडी पर बैक्टीरिया है, आपके फोन पे ऊपर भी बैक्टीरिया है, आपके हाथ से गया है, मतलब बैक्टीरिया हर जगह विद्यमान होता है। ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है, जहां पर भी जीवन संभव है वहां पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो जीवाणु सभी जगह पर पाए जाते हैं। जीवाणु प्रकृति में मृत जीवी, परजीवी अथवा सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, वह प्रकृति में मृत जीवी के रूप में भी रहते हैं, परजीवी के रूप में भी रहते हैं और सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, तथा पौधों मनुष्यों जंतुओं में अनेक रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे हमेशा रहता है, लेकिन जैसे इसे कोई माध्यम मिलता है, कहीं से कट फट जाता है, तो तुरंत बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर में अनेक रोग भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लाभकारी भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ जीवाणु लाभकारी भी होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह लाभकारी भी होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जुगाली करने वाले पशुओं की आहार नाल में सहभोजी के रूप में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं वह जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनके आहार नाल में सहभोजियों के रूप में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, इनके आकार के बारे में देखते हैं, तो जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं तथा इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का आकार, बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, मतलब कितना लंबा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये सब जानेंगे। तो जीवाणु अति सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जीवाणु में काफी अंतर होता है। ठीक है, जो सबसे छोटा जीवाणु होता है और जो सबसे बड़ा जीवाणु होता है उसमें काफी अंतर होता है। सामान्यतः अनेक जीवाणुओं का औसत व्यास 0.35 से 0.5 माइक्रोमीटर था, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं इनका औसत जो व्यास होता है वह 0.35 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। याद रखिएगा, मीटर की बात नहीं हो रहा, माइक्रोमीटर की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो समानता अनेक जीवाणुओं का औसत व्यास कितना होता है, 0.35 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लंबाई 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है। अपवाद स्वरूप में एक क्रेनोथ्रिक्स जीवाणु है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर देखी गई। ठीक है, क्रेनोथ्रिक्स देखिए, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्रेनोथ्रिक्स एक ऐसा जीवाणु है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, एक नंबर पूछता है कौन सा जीवाणु जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है, तो क्रेनोथ्रिक्स, क्रेनोथ्रिक्स ऐसा जीवाणु है अपवाद ग्रुप में जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
तो आकार के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि जो जीवाणु होता है बहुत ही छोटा होता है, इसका आकार भिन्न भिन्न होता है। जो सबसे बड़ा जीवाणु होता है और सबसे छोटा जीवाणु होता है, इसमें काफी अंतर होता है। समानता अनेक जीवाणु जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का औसत व्यास 0.35 से 0.5 माइक्रोमीटर, लंबाई 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अपवाद स्वरूप में क्रेनोथ्रिक्स जीवाणु जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो यह था इसके साइज के बारे में, आकार के बारे में। आगे देखेंगे इसके भार के बारे में, वेट के बारे में, ठीक है, इसका वजन कितना होता है। तो जीवाणु का भार भी बहुत कम होता है, ठीक है, जब इसकी लंबाई छोटी तो इसका भार भी बहुत ही कम होगा। तो जीवाणु का भार भी बहुत कम होता है। एक कोशिका का वजन, जीवाणु जो होता है इसके एक कोशिका का वजन लगभग 2×10⁻²⁻ होता है। कितना होता है? 2×10⁻²⁻, 2×10⁻²⁻ होता है एक कोशिका का वजन। तो बहुत ज्यादा कम होता है, अर्थात कह सकते हैं कि 1 ग्राम भार के लिए लगभग 5 खरब कोशिकाएं चाहिए, ठीक है। यदि 1 ग्राम आपको जीवाणु का वजन करना है तो उसके लिए आपको कितनी जीवाणु की आवश्यकता पड़ेगी? 5 खरब, 5 अरब भी नहीं, 5 खरब, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000,00,000, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, उसके बाद खरब आता है। तो इसके लिए 1 ग्राम जीवाणु की वजन के लिए हमें 5 खरब कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह था इसके वजन के बारे में। आगे देखते हैं इसके शेप के बारे में। शेप मतलब होता है आकार, आकृतियां बोल सकते हैं, ठीक है। शेप मतलब क्या हो गया? आकार या आकृतियां। तो जीवाणु जो होता है अपने वृद्धि के समय अपनी माप एवं आकृतियां बदलते रहते हैं, ठीक है। जीवाणु वृद्धि के समय अपनी माप एवं आकृतियां बदलते रहते हैं, जिसके कारण इनकी आकृतियों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। जिसके कारण क्या होता है? इनकी आकृतियों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। वैसे इनकी 3 आधारभूत इकाइयां होती हैं, आकृतियां होती हैं, ठीक है। आधारभूत 3 आकृतियां होती है, एक गोल, ठीक है, एक गोल पाया जाता है, एक छड़ आकार का पाया जाता है, एक सर्पिल आकार का पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं तीनों के बारे में जानेंगे। तो जीवाणु को ऐसे आधारभूत 3 आकृतियां होती है, गोल, छड़ाकार, सर्पिलाकार। तो गोलाकार जीवाणु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गोलाकार जीवाणु दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखिए यह जो गोल गोल आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, गोलाकार का, यह क्या है? यही है आप लोगों का गोलाकार जीवाणु। इसको बोलते हैं कोकस या स्फेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कोकस या स्फेरिकल बैक्टीरिया बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके भी कई पार्ट होते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं गोलाकार जीवाणु क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवाणु गोल या अंडाकार अथवा दीर्घवृत्तीय होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं? गोल या अंडाकार या दीर्घवृत्तीय होते हैं, जिनका व्यास 0.5 से 1.2 माइक्रॉन होता है, ठीक है। 0.5 से लेकर 1.2 माइक्रॉन होता है। इन्हें कोकस के रूप में जाना जाता है। यह जो बैक्टीरिया होते हैं गोलाकार जीवाणु, इसको कोकस के रूप में जाना जाता है। यह बिना कशाभिका वाले विभिन्न आकृतियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये अभी कई प्रकार के होते हैं, इनके सभी टाइप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो पहला है देखिए कोकस, ठीक है, पहला कौन सा है? कोकस। उसके बाद है माइक्रोकोकस, ठीक है, माइक्रोकोकस, इसी को कोकस या माइक्रोकोकस बोला जाता है, ठीक है। जब कोकस केवल एक कोशिका होता है, मतलब जब सिर्फ एक ही जीवाणु होता है, तो उसको बोलते हैं कोकस या माइक्रोकोकस, ठीक है। उसके बाद होता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में दो गोलाकार जीवाणु आपस में रहेंगे, तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? तो डिप्लोकोकस के लगातार एक ही और समान तल पर विभाजित होने पर कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, याद रखिएगा। यह जो डिप्लोकोकस है, यह लगातार क्या होता है कि एक ही समान तल पर विभाजित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। उसके बाद अगला है टेट्राकोकस, ठीक है, कौन सा है? टेट्राकोकस। जब डिप्लोकोकस दो समान तल पर इस प्रकार से विभाजित होते हैं कि 4 गोलाकार कोशिकाएं सीधी रेखा में न होकर 4 कोशिकाओं के समूह में हो जाती हैं, तो उसे टेट्राकोकस या पेडिकोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेट्राकोकस या पेडिकोकस आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अगला है सरसिनी। सरसिनी क्या होता है? जब जीवाणु कोशिकाएं घन के रूप में व्यवस्थित होती है, जब देखिए यहाँ पे घन के रूप में व्यवस्थित हो गई हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सरसिनी बोलते हैं। और अगला है स्टैफिलोकोकस, ठीक है। जब बहुत से कोकस एक समूह में अनियमित आकृति में होते हैं, तो अंगूर के गुच्छे के जैसे दिखाई देते हैं, उसे स्टैफिलोकोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टैफिलोकोकस यहाँ पर है, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान। तो यह था कोकस का टाइप। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार है बैक्टीरिया का, दूसरा शेप है छड़ाकार या रॉड और बैसिलस बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं। तो कोकस के बारे में आप लोग अब देखेंगे छड़ाकार या
रॉड और बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में। तो यह जीवाणु साधारणतः बेलनाकार छड़ की आकृति वाले लंबे होते हैं, ठीक है, छड़ की आकृति वाले होते हैं, मतलब इस आकार का इनका साइज होता है, ठीक है। एक गतिशील या अगतिशील कोशिकाएं होते हैं जिनका सिरा चपटा होता है, अवतल नुकीला तथा सुंडाकार होता है। इसकी औसत लंबाई 1.5 माइक्रोन जबकि व्यास 0.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसकी औसत लंबाई कितनी होती है, 1.5 माइक्रोन होती है जबकि व्यास इसका 0.5 माइक्रोन होता है। तो यह भी कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनमें भी पहला होता है माइक्रोबेसिलस, ठीक है। पहला कौन सा होता है, माइक्रोबेसिलस, जब एक ही कोशिका होती है, ठीक है, जब एक ही कोशिका होती है इसको माइक्रोबेसिलस बोलते हैं। उसके बाद है डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस, डिप्लोबेसिलस, सॉरी सॉरी यहाँ पर बैसिलस है, मैं कोकस मुझे याद था, तो ध्यान दीजिएगा, डिप्लोबैसिली, ठीक है, डिप्लोबैसिली, जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लो को डिप्लोबैसिलस, ठीक है। जब छड़ाकार कोशिकाएं दो में विभाजित हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे से अनिश्चित समय तक जुड़ी रहती हैं तो इसी को बोलते हैं डिप्लोबैसिली, ठीक है। उसके बाद अगला स्ट्रेप्टोबैसिलस, क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो विभाजन के बाद ये श्रृंखला बना लेती हैं, ठीक है, ये देखिए विभाजन के बाद क्या होता है, एक श्रृंखला बना लेती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिली। उसके बाद अगला होता है पैलिसेड, ठीक है, अगला क्या होता है, पैलिसेड, पैलिसेड क्या होता है, जब एक दूसरे से समांतर क्रम खंभ के रूप में चिपक जाते हैं, देखिए एक दूसरे से समांतर खंभ के रूप में चिपके हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैलिसेड्स, ठीक है। तो यह था अरेंजमेंट ऑफ बैसिली, मतलब जो छड़ाकार जीवाणु उनके शेप के बारे में। अगला है वक्रित अथवा मुड़े हुए जीवाणु, वक्रित अथवा मुड़े हुए जीवाणु, या इसको कर्व या बेंट बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तीनों एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पर स्फेरिकल वाला है, यहाँ पर रॉड रॉड शेप वाला, यहाँ पर स्पायरल या शेप्ड या बेंट बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यह जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है विब्रियो और दूसरा होता है स्पायरल बैक्टीरिया, ठीक है। तो विब्रियो क्या होता है, इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं कोशिकाएं हल्की सी घुमावदार छड़ के रूप में होती है, ठीक है, ये इस प्रकार की जो कोशिका होती है वो हल्की सी घुमावदार छड़ के रूप में होती है। यहाँ पर देखिए हल्की सी घुमावदार छड़ के रूप में है, तो यह क्या है, विब्रियो। और स्पायरल बैक्टीरिया क्या होता है, जब कार के स्क्रू की तरह एक सर्प के आकार में, देखिए यहाँ पर सर्प के आकार में है ना, तो यह क्या है, यह है आप लोगों का स्पायरल बैक्टीरिया। तो यह था बैक्टीरिया के शेप के बारे में, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया खोज कैसे हुई, किसने किया, कब किया, आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। इसका एक और पार्ट आएगा इसका, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।